हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कायो बोल में। और आज वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल के स्टॉक के बारे में। स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को ये जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 415 रुपए पे। प्रीवियस क्लोज था 428 रुपए का, ओपन हुआ 429 रुपए 95 पैसे पे। हाई लगाया 435 रुपए का, लो लगाया 411 रुपए 50 पैसे का। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन काफी अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। बहुत ही जबरदस्त बाइंग स्टॉक में फ्राइडे के दिन में हो रखी है। आप देख सकते हैं कि 85% के अराउंड यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग फ्राइडे के दिन में देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके के हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप है 10,715 करोड़ की। अगर स्टॉक के 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात करें तो स्टॉक का 52 वीक हाई है 486 रुपए का, 52 वीक लो है 298 रुपए का। स्टॉक का पी है 20.3 का, बुक वैल्यू है 131 रुपए की। डिविडेंड यील्ड है 0.96% की, आरओसी है 20.6% का, ROE है 17.8% का। स्टॉक की फेस वैल्यू है 2 रुपए की। तो अब अगर बात करें स्टॉक के पी की, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो पी चल रहा है वो अभी इंडस्ट्री के पी से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें कि बुक वैल्यू में यहाँ पे किस तरीके की इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है जो कंपनी की बुक वैल्यू है वहां पर। अगर बात करें कि ये स्टॉक करंट टाइम पे अपने 52 वीक हाई से और 52 वीक लो से कितना ऊपर और कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक करंट टाइम पे अपने 52 वीक लो से 39.6% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं अपने 52 वीक हाई से 14.3% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें कि यहाँ पे इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को किस तरीके से पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ पे स्टॉक ने 27.3% के हिसाब से रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 10.7% के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न दिया है, और पिछले 1 सालों में 23.4% के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न दिया है। अब अगर बात करें यहाँ पे कि रिटर्न ऑफ इक्विटी में यहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलती है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में जो रिटर्न ऑफ इक्विटी का एवरेज रहा है वो रहा है 21.4% के आसपास का। तो अभी भी ये स्टॉक अपने रिटर्न ऑफ इक्विटी के एवरेज परसेंटेज से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 0.61% का है, तो 1% से नीचे है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आगे डिस्कस करेंगे जब कंपनी की यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे, नेट कैश फ्लो देखेंगे, तो वहां पे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके के रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जहां मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 194 करोड़ का, वहीं जून क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 46 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। बात करें ईपीएस की, तो वहां पे भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अब अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। जहां जून क्वार्टर जो लास्ट ईयर का जून क्वार्टर था, वहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट था 71 करोड़ का, और वहीं जून 2021 के क्वार्टर में 46 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है वो काफी खराब रही है, और दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे ईपीएस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे स्टॉक पे क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को यहाँ पे और आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व है 3,308 करोड़ का, और जो डेट है वो है 2,066 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू डेट यहाँ पे जो रिजर्व है कंपनी के पास वो काफी अच्छा है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे कंपनी अपना जो डेट है उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम कर रही है। अब देख लेते हैं नेट कैश फ्लो में किस तरीके की इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट कैश फ्लो है वहां पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी मैनेजेबल है। अब देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं कि 51.82% की होल्डिंग्स है यहाँ पे प्रमोटर्स के हाथ में, 11.06% की होल्डिंग्स है एफआईएस के हाथ में, 26.52% की होल्डिंग्स है डीआईएस के हाथ में, 10.60% की होल्डिंग्स है यहाँ पे पब्लिक के हाथ में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफआईएस ने जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, और एफआईएस के साथ साथ यहाँ पे डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज निकल के आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने इस पर इंफ्रा को एक्वायर कर लिया है, 100% स्टेक यहाँ पे कंपनी का ले लिया है, और ये जो डील हुई है ये हुई है 62 करोड़ की। तो काफी लंबे समय से ये डील चल रही थी और फाइनली ये डील हो गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे क्या लगता है स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल बेसिस पे अगर बात करें, तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट ओपन कर रखा है ये डेली बेसिस का चार्ट ओपन कर रखा है, और सबसे पहले अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई इस टाइम चल रहा है 48 के आसपास, और आप देख सकते हैं कि एमएससीडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिग्नल लाइन है वो अपर लाइन को ब्रेक करने वाली है। अब ये ब्रेक करती है नहीं करती है ये आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन अगर कैंडलस्टिक चार्ट देखें
तो आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग जो लास्ट कैंडल बनी है वो बोलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन है उसके ऊपर इसने जस्ट क्लोजिंग दी है। तो अब अगर बात करें कि यहाँ पे क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस निकल के आता है, तो अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहता है तो उसके लिए जो सपोर्ट होगा वो होगा 409 रुपए का, और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो वहां पे जो सपोर्ट होगा वो होगा 385 का। अब अगर बात करें कि यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस निकल के आता है, तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो निकल के आता है 445 का। अगर ये 445 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे 480 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर 480 को भी ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम पे ब्रेक कर देता है फिर यहाँ पे 550 तक के भी टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो अब अगर बात करें कि यहाँ पे स्टॉक पे क्या करना चाहिए, तो मेरा सजेशन होगा कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, काफी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जीरो प्रमोटर प्लेज कंपनी है, FIS, FPIs, DIS यहाँ पे सभी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। 85% के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग स्टॉक में देखने को मिल रही है। पता नहीं कौन यहाँ पे इतना सारा माल यहाँ पे उठा रहा है, तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वहां पे भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस से ये स्टॉक काफी अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। न्यूज बेसिस पे अगर किसी को प्ले करना है तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों ही बताए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।